नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कावेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी पहुंचे। यहां वो सिख समाज के लोगों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही राकेश टिकैत प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात भी करेंगे और 22 तारीख को जेल में बंद किए गए 7 किसानों से मुलाकात कर वो कल तिकुनोसिया हिंसा में मारे गए किसानों के परिजनों से भी मिलेंगे। लखीमपुर में यहाँ पे हमको इलेक्शन लड़ने तो आए नहीं रहे लखीमपुर में, या हमने पर्चा भर रखा। यहाँ पे जिन किसानों की डेथ हुई उस दिन के बाद में उन परिवारों से नहीं मिले, जो किसान हमारे जेल में गए हम उनसे भी नहीं मिले, वे जेल में हैं उनके परिवारों से मिलेंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, DM और SSP है, इनसे हम मिलेंगे। 3 काम हमारे अभी यहाँ पे है, क्योंकि अजय टेनी वाला गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, ये एक इशू है। तो ये सारे मामले अभी हैं, इनसे मिलेंगे। 2 दिन हम यहाँ पे अभी रहेंगे और यहाँ के SSP, यहाँ के DM साहब से इनसे मिलेंगे, क्योंकि यही सारी बातें बताएंगे आगे इनके क्या कार्रवाई चल रही है। पौड़ी कलेक्ट्रेट के पुराने भवन पर कोटद्वार विधानसभा के लिए बनाए गए नामांकन कक्ष में आज पहला नामांकन उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक के प्रत्याशी रोहित डंडरियाल ने किया है। पेशे से एडवोकेट रोहित डंडरियाल ने जनपद की 6 विधानसभाओं के प्रत्याशियों के लिए बनाए गए नामांकन कक्षों में से आज 41 कोटद्वार नामांकन कक्ष में यह पहला नामांकन किया। जनपद में प्रथम नामांकन होने के साथ ही जनपद की 6 विधानसभाओं के लिए स्थापित नामांकन कक्षों से आज 3 नामांकन पत्र भी प्रत्याशियों द्वारा लिए गए, जिसमें से एक नामांकन 41 कोटद्वार विधानसभा को लेकर रोहित डंडरियाल द्वारा किया गया है। कोटद्वार विधानसभा 41 के लिए मैंने अपना नामांकन आज भरा है। उत्तराखंड क्रांति दल डेमोक्रेटिक की तरफ से मेरे द्वारा नामांकन भरा गया है और जो मेरी रणनीति ये है कि सबसे पहले हम अपना नामांकन प्रॉपर वे से कराएंगे, तर्क संगत जो है, उसके बाद हम अपनी चुनावी रणनीति पे चलेंगे आगे और उत्तराखंड के विकास के लिए अपनी भागीदारी कोटद्वार से करेंगे। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी दलों ने मतदाताओं को रिझाने के लिए दावों और वादों की छड़ी लगाना शुरू कर दिया है। BJP जहां एक तरफ मतदाताओं को रिझाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, वहीं समाजवादी पार्टी भी मतदाताओं को अपने पाले में लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इसी क्रम में सपा नेता KD यादव ने भी सपा के घोषणा पत्र के सहारे जीत का दावा किया है। सपा नेता KD यादव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी हेमंत सिंह ने, इस रिपोर्ट को देखिए। सभी राजनीतिक दल जैसे जैसे चुनाव आ रहा है एक दूसरे दलों के अंदर सेंध लगाने में लगे हुए हैं, और अगर बात करें हम BJP की तो BJP के भी चुनावी घोषणे और वादे जो है अपने चरम पे हैं, और वहीं समाजवादी पार्टी भी अपने दावों और वादों को जो है जनता के बीच लेकर जा रही है। चुनावी घोषणा पत्र का के जरिए जो है वोटरों को सहेजने का काम सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता KD यादव जी। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पार्टियों के दावे हैं, समाजवादी पार्टी के जो दावे हैं और BJP के जो दावे हैं, जो घोषणा पत्र के जरिए जो है सभी राजनीतिक दल अपने पाले में लाने के लिए, मतदाताओं को रिझाने के लिए काम कर रहे हैं, इनका क्या मानना? बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका। धन्यवाद। क्या मानते हैं कि जिस तरह BJP अपनी घोषणा पत्र के जरिए जो है वोटरों को रिझाने का काम में लगी हुई है, तो समाजवादी पार्टी क्या मानती है कि BJP के जो दावे वादे हैं उन पर जनता कितना विश्वास करेगी, और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र क्या होगा और उसका जो है असर कितना देखने को मिलेगा चुनाव में? देखिए, समाजवादी पार्टी जो कहती है वो करती है, उनके कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। उन्होंने, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम नौजवानों को रोज़गार देंगे, तो अपने कार्यकाल में उन्होंने सभी ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को रोज़गार दिया। तो उन्होंने कहा था शिक्षा मित्रों को, मैं हमारी सरकार आएगी तो उनको मैं बहाली करके उन्हें परमानेंट करने का काम करेंगे, उन्होंने वो करके दिखाया। और उन्होंने पुलिस भर्ती से लेकर के और जितना भी सड़कों का विकास था, जो भी घोषणा पत्र में था, चाहे महिलाओं का पेंशन का सवाल था, उन्होंने कहा था, लोहिया आवास का सवाल था उन्होंने कहा था, व्यापारियों के लिए जो सुविधा देना था उन्होंने कहा था, और जो किसानों के लिए उन्होंने कहा था, सारा वादा उन्होंने अपने कार्यकाल में पूरा किया था।
और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी ने उस समय उन्होंने जो वादा किया था 15-15 लाख रुपए उन्होंने देने का वादा किया था और किसानों का जो उपज का जो दोगुना करने का दाम सवाल था वो भी करने का सवाल उन्होंने कहा था, नौजवानों को 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया था और सड़कों से लेकर के हर व्यवस्था को उन्होंने कहा था कि मैं उसे पूरा करूँगा, लेकिन आज वो वादे एक भी पूरा नहीं हुए और नौजवान सड़कों पर तड़प रहा है, आज बेरोजगार होकर के घूम रहा है, परीक्षा का जब जब परीक्षा निकालते हैं वो ख़त्म हो जाता है और वो डिसमिस कर देते हैं और इसी हिसाब से उनके वादे पे तो जनता कतई खरा नहीं उतरेगी। और जो नया घोषणा पत्र भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो दिया है, 300 यूनिट बिजली उन्होंने कहा है, 300 यूनिट बिजली उन्होंने 2000 रुपये पर मंथ पड़ता है और वो फ्री उन्होंने करने का काम किया है। और रही बात उन्होंने महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है जो पेंशन आपकी 500 रुपये हम समाजवादी पेंशन देते थे उसे मैं 1500 रुपये देने का काम करूंगा। और उन्होंने आज जो सबसे बड़ा घोषणा पत्र उन्होंने कहा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पेंशन 2005 में पेंशन को ख़त्म करने का काम किया। आप बताओ जो किसान जो नौकरी करने वाले चाहे आपके सिपाही हो चाहे चौकीदार हो चाहे आपका जो भी नौकरी मास्टर से लेकर के तमाम ऐसे कर्मचारी जो 17.5 लाख के करीब आते हैं आज उनके बुढ़ापे में एक लाठी का सहारा होता था उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और सालों से मैं देख रहा हूँ एक कर्मचारी बेचारे वहाँ पर जाकर के धरना देते हैं लेकिन आज तक कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को जिन्होंने आज कल घोषणा किया है कि मैं 2005 से मैं सारे जितने भी पेंशन है उसे बहाल करूंगा और सारे लोगों का जितना भी वादा मैं कर रहा हूं उसे पूरा करने का काम करूंगा। जो सेंधमारी का दौर चल रहा है, सपा में भी सेंध बीजेपी लगा रही है और बीजेपी में जो है समाजवादी पार्टी सेंध लगा रही है, तो इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा समाजवादी पार्टी के ऊपर और बीजेपी के ऊपर? देखिए समाजवादी पार्टी जो सेंधमारी नहीं कर रही है, समाज भारतीय जनता पार्टी के कृत्यों से वहाँ पर पिछड़ों दलितों और अगड़े हर समाज के लोगों कोई पूछने वाला नहीं है। मोदी जी केवल 2 लोगों को पूछते थे, केवल अडानी अंबानी अमित शाह और मोदी जी, यही 4 लोगों ने पूरे देश को लूटने का काम किया है और पिछड़े के आरक्षण के सवाल पे जो संविधान को इन्होंने रौंदने का काम किया है तो आज पिछड़े वर्ग के लोग और संविधान को मानने वाले लोग आज वहाँ से आकर के माननीय अखिलेश जी के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। बीजेपी जो दावे कर रही है आखिर जनता क्यों उस पर विश्वास न करे? देखिए इन्होंने झूठ से झूठ बोला है हमेशा। इन्होंने जब मंच पे जाते थे, मंच पे जाने के बाद जो बातें कहते थे, अगर अभी आपको मैं बताऊं अभी फर्टिलाइज़र का सवाल गोरखपुर में था, अभी फर्टिलाइज़र चालू नहीं हुआ, बाहर से 4 ट्रक यूरिया मंगवा करके उन्होंने उद्घाटन दिखला दिया। और रही बात तमाम ऐसे काम थे जिन्होंने समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बने थे और इन्होंने एक भी काम इन्होंने नहीं किया और जितना था धन समाजवादी उत्तर प्रदेश का सारा धन इन लोगों ने उठा करके कहीं और जा करके ट्रांसफ़र करके वहाँ के लोगों को कुछ विशेष लोगों को मजबूत करने का काम किया और यहाँ की जनता उत्तर प्रदेश की आज तड़प करके न रोज़गार है न यहाँ पर सड़कें हैं न अस्पताल है न शिक्षा है। शिक्षा के सवाल पर इन्होंने इतना महंगा कर दिया है कि गरीब के लोग नहीं उसे शिक्षा जो ग्रहण कर सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता केडी यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जनता जो है बीजेपी के वादों और दावों से छली महसूस कर रही है और पिछली सरकार में जो दावे और वादे किए गए थे भारतीय जनता पार्टी द्वारा उसको भारतीय जनता पार्टी ने पूरा नहीं किया, लिहाजा इसके जनता जो है समाजवादी पार्टी को विकल्प के रूप में देख रही है और अब की बार अखिलेश यादव की सरकार बनाने जा रही है। कैमरा पर्सन मोहम्मद हुसैन और अशोक कुमार के साथ हेमंत सिंह, न्यूज वर्ल्ड इंडिया, संत कबीर नगर। बदायूं के सहसवान विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी डी के भारद्वाज और शेखुपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी धर्मेंद्र शाक्य ने जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता के साथ नामांकन पत्र दाखिल किया। दोनों भाजपा प्रत्याशियों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया है। इससे पूर्व दोनों प्रत्याशियों ने अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना की और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद दिया। दोनों प्रत्याशियों ने नामांकन से पहले जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता व अन्य पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात की।
भाजपा के दोनों प्रत्याशी अपने समर्थकों व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। हम प्रत्याशी के साथ नामांकन के लिए आ रहे थे, कोई विशेष बात नहीं थी। हमारे जो प्रस्तावक थे प्रत्याशी को, उनको समझने में कहीं भूल पुलिस को हुई तो इसको उन्होंने रोका प्रस्तावक के लिए, तो कोई ऐसी कोई विशेष बात नहीं थी। हम अंदर आ रहे थे तो मुझे लगता है थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था उनको, क्योंकि जब मैं आज 3 सेट जमा कर रहा हूँ तो प्रस्तावक उसी हिसाब से जाने थे, इसलिए वो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग थी। नोकझोंक कुछ नहीं हुई, वो अपना कर्तव्य पूरा कर रहे थे, मेरा संविधान में पूरा विश्वास है, कहीं कोई नोकझोंक नहीं है। पार्टी ने हम पे भरोसा जता के दोबारा विधानसभा में पहुंचाने का काम किया है। मैं शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और विकास आपने देखा होगा 2017 से पहले मैं गांव में वोट मांगने गया था, और आज मैं 2022 में वोट मांगने जाता हूं, तो मुझे लगता है पहले और आज के समय में बहुत काफ़ी अंतर दिखाई देता है। चुनावी मौसम में सभी राजनीतिक दल पूरी जोर शोर के साथ लगे हुए हैं। ऐसे में जहां एक तरफ टिकट वितरण का दौर भी शुरू हो गया है, तो ऐसे में गोरखपुर के चौरी चौरा विधानसभा की जनता से माहौल को समझने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने। क्या कुछ कहा है यहां की जनता ने, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनावी तापमान में गर्माहट देखते सभी सियासी दल जो है अपने अपने पार्टी का जनाधार बढ़ाने के मकसद से क्षेत्र में उतर चुके हैं, और चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है सभी सियासी दल अपने दल को मजबूत करने में लगे हैं। हम इस वक्त खड़े हैं गोरखपुर की चौरी चौरा विधानसभा सीट पर, और यहाँ पर चौरी चौरा में एक शहीदों की धरती मानी जाती है, क्रांतिकारी धरती मानी जाती है, और ये चौरी चौरा सीट जो है बीजेपी के कब्जे में इस वक्त है। लेकिन समाजवादी पार्टी का क्या रणनीति होगी कि बीजेपी से ये सीट समाजवादी पार्टी जो है हथियाने में कामयाब होगी, और इस सीट पर समाजवादी पार्टी की तरफ से जितेंद्र निषाद ने अपनी दावेदारी ठोकी है टिकट के लिए, और वो चुनाव अभियान में उतर चुके हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या उनका मोटो होगा और किस तरह की रणनीति होगी कि बीजेपी से ये सीट जो है भारतीय जनता पार्टी से समाजवादी पार्टी से जीत पाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो उनका मैनिफेस्टो है, हम लोग उसको लेकर के आज समाज के अंदर जो है और सबके अंदर पूरे जनता के अंदर उतरे हैं। जैसे 300 यूनिट बिजली फ्री, और आपको जो है जो 50 साल से ऊपर है उनको 1500 रुपये महीने पेंशन, और गरीब बच्चों की फ्री शिक्षा, और तमाम योजना इस तरह की हैं। और आप देख लीजिए बच्चियों को जो लैपटॉप, और आपका जो है पुराने कर्मचारियों को जो है पेंशन बहाली, ये तमाम योजनाएं हम लोग लेकर उतरे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो हमारे हैं बहुत ही बड़े विराट हृदय वाले हैं, जो कहा जाए विराट हृदय सम्राट कहा जाए, इस पूरे हिंदुस्तान में अगर आज देखा जाए तो सबसे बड़े नेता के रूप में अगर देखा जाए तो एक नंबर के ईमानदार नेता अखिलेश यादव जी उतरे हैं आज 2022 में। बीजेपी दावा कर रही है शहीदों का, शहीदों की धरती मानी जाती है, बीजेपी ने उनके सरकार में बहुत चेंज कराया, और विकास की दिशा में है बीजेपी का, और बीजेपी की जो सीट है बहुत सब विशेष पार्टी मानते हैं जो है समाजवादी पार्टी जनता तैयार है। हम लोग घर घर जा रहे हैं, एक एक आदमी के पास जा रहे हैं, एक एक जनमानस पास जा रहे हैं, और सबसे अपील कर रहे हैं, और सब पूरी जनता सर्व समाज के लोग तैयार है, कह रहे हैं कि बाबू इस बार अखिलेश यादव जी को हम लोग जिताएंगे, और किसी को नहीं देंगे, या बहरूपिया गूंगी बहरी सरकार को भगाना है, और हर हाल में इन ठगड़ों को इस देश से भगाना है, इन लोगों को गद्दी से उतार के हर हाल में भगा देना है, 22 में छोड़ना नहीं है। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव मैदान में है, और एक % भी उनका कोई असर नहीं है, वो आके लड़ जाए, मैं कह रहा हूँ मेरे सामने वो आके लड़ जाए, फिर उनको धूल चटा के भेजे तो जो निषाद नहीं जो नहीं सो, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ योगी आदित्यनाथ को धूल चटा के भेजूंगा, आके लड़ के देख सकते हैं वो। आखिर क्या कमियां पीछे रही कि देखिए ये लोग जुमला के लिए झूठा जुमले में जनता, भोली भाली जनता समझ नहीं पाई, इनके जुमले में फंस गई, और आज जान चुकी है जनता की इनके जुमलेबाजी चलने वाली नहीं है, सिर्फ झूठ बोलते हैं,
इसलिए जनता इनके एक एक बातों को रीड कर चुकी है और उनको जान चुकी है कि ये लोग सिर्फ झूठ बोलेंगे, कुछ करने वाले नहीं है। जनता की भलाई करने में इनको 1% भी दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ लूटने में इनको दिलचस्पी है और सिर्फ ये 7 साल लूटते ही रहे हैं, किसी का भला नहीं किए हैं। और ऐसा जीता जागता हुआ आप देखे होंगे, आज ये बता दीजिए मंदिर के अंदर 1.5 लाख की भीड़ होती है, कोरोना नहीं पैदा होता है और कोरोना नहीं आता है। आज स्कूल बंद है, यही योगी और मोदी ने बंद करवा दिया स्कूल को, ताकि ये पिछड़ी और इसी की जनता, गरीब जनता पढ़ने ना पाए, ये आगे ना बढ़ पाए। नौकरी भी खाने का काम इन लोगों ने किया और मोदी बड़े प्यार से कहते हैं कि हम तो 3 लाख कंपनियां बंद करवा दिए। अरे दुश्मन, समाज के दुश्मन, तुमको इतना शर्म आना चाहिए, तुम मुस्कुरा के कहते हो इन गरीबों के लिए तुमने क्या करके दिखाया, इनके लिए रोजगार पैदा तो किया नहीं, रोजगार को खत्म कर दिया। तुम अगर रोजगार पैदा किए होते इन गरीब जनता के लिए, इन पढ़े लिखे नौजवानों के लिए, युवाओं के लिए, कुछ तुम बनाए होते, कुछ नौकरी पैदा किए तो तब मानते हैं हम कि तुम कुछ किए हो, तुम तो कुछ किया ही नहीं। कौन कौन से मुद्दे इस बार जो है चौरी चौरा के विधानसभा में चलेंगे और किन मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी जो है दावा? देखिए महंगाई सबसे बड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी और आपका स्वास्थ्य और इनके छल जो है, छल किए हैं और नमक में जो ये शीशा और बालू मिला करके जो गरीब जनता को मारना चाहते हैं, ये सब रहेगा उनके सामने। भाजपा सरकार पूरी पब्लिक उब चुकी है, दारू की दुकान खुली है, गरीब बच्चों का स्कूल बंद है। भाजपा सरकार में कड़ू का तेल 200 रुपया किलो है, गैस का दाम 1100 रुपया, सिलेंडर का दाम हो गया है, महंगाई से त्रस्त है पब्लिक। इसलिए भाजपा सरकार को इस बार उखाड़ कर फेंकेगी और माननीय राय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश के सीएम बनाएगी और सारी जनता 85% की जनता साइकिल पर वोट मारेगी और यहाँ के समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को चुनाव जिताएगी। आप बताइए आपका क्या बात है? इस सरकार में तहसील नहीं बंद है और सरगति नहीं बंद है और कोरोना चालू। आप क्या मानते हैं? कि हमारे वहाँ बेरोजगारी और नौजवान उमड़ चुके हैं, चौरी चौरा के लोग नौजवान जो आज नौकरी के लिए तरस रहे हैं, सबसे बड़ी मुद्दा यही है नौजवानों का। आप क्या मानते हैं? महंगाई मुद्दा है और आप क्या मानते हैं? यही मांग कर रहा है कि और पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि आज के युवा के लिए उन्होंने क्या किया। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये बीजेपी गवर्नमेंट में जो इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, ये रोजगार तो दिए नहीं, ये सोचते हैं कि हमारे जैसे ही लोग यहाँ आके बेरोजगार होके भगवा पहन के घूमे। आज नौजवानों को रोजगार दिए होते तो आज इनके जो नौजवान लोग हैं वह जाके कहते हाँ योगी आदित्यनाथ बढ़िया है। अगर इन्होंने पढ़ा लिखा होता तो पढ़े लिखों का कदर करते, कोई आज तक पढ़ा लिखा का कदर किए हो, एक पढ़े लिखों को बता दे कि हाँ ये नौकरी दिए हो, नौकरी नहीं दिए। तो नौकरी और क्या मानती हो? कमाना तो नहीं, गरीब गुरबा आदमी खेत बारी हो या ना, मोदी का पहले बनाइए खर्चा 2000 पढ़ा देता नहीं, हमने तो मोदी को वोट ना देंगे। तो यहाँ नाराजगी और नाराजगी भी यहाँ के लोगों को सरकार से मिल रही है और जो इन किसानों को जो राहत सरकार देने की बात कर रही है वो नाकामी दिख रही है। आप बताओ क्या नाम है, क्या मानते हैं आपकी बात क्या होने वाला है? किसको क्यों देख रहे हैं यहाँ कोई रोजी रोजगार नहीं है, कोई कल कारखाना है, सब लोग बेकार घूम रहे हैं। योगी जी के गढ़ में गोरखपुर योगी जी का जिला है और योगी जी गोरखपुर का माहौल लग रहा है और चौरी चौरा में आप भाजपा को हराना चाहते हैं क्यों? वो काम किया ऐसा है कि यहाँ लोग बेकार होकर घूम रहे हैं, कोई रोजी रोजगार नहीं है, दुकान दौरी सब बंद हो गया है, महंगाई चरम सीमा पर है,
इसलिए हराना चाहते हैं। तो ये चौरी चौरा की जनता है और जिनका साफ तौर पे मानना है कि अब की बार महंगाई, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर चौरी चौरा की जनता जो है भाजपा से नाराज दिख रही है और सपा के पक्ष में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कह रही है। तो फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।